बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको एक न्यूज़ से अपडेट करना चाहता हूँ। एक खबर है जी, सऊदी अरब के एयरपोर्ट, तमाम जितने भी एयरपोर्ट हैं सबसे ये जारी की गई है। आपके साथ यह खबर शेयर करना चाहता हूँ मैं। अगर आप सऊदी अरब से छुट्टी आ रहे हैं, जाहिर सी बात है जी, कोई भी परदेसी है चाहे जितने भी साल रह ले, वापस तो छुट्टी जाना ही है जी, अपनी कंट्री में जाना ही है। जैसा कि मैं 10 ईयर के बाद आ चुका हूँ, तो अल्लाह ताला के साथ आपको खैर वाफियत से अपने अपने घरों में पहुँचाए। ज़ाहरी सी बात है, जो भी प्रदेश में यार उसने जाना तो है ही एक दिन। तो बहरहाल न्यूज ये है जी, ये जो बैग आप साथ में देख रहे हैं पड़ा हुआ है, ये बैग मैंने साथ में क्यों रखा हुआ है, मैंने अभी ये निकाला है। मैंने बोला बैग साथ रख कर ही वीडियो बना लूँ, यही बेस्ट रहेगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं जब सफ़र कर चुका हूँ जी जद्दा से लाहौर के लिए, तो जद्दा एयरपोर्ट से आपके साथ बहुत सी लाइव वीडियो शेयर कर चुका हूँ, बहुत से मसाइल को लेकर के एयरपोर्ट के ऊपर आपसे क्या कुछ पूछा जा सकता है, मुकम्मल वीडियो इसी चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। अभी जो न्यूज़ आ रही है सामने, उस टाइम भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी, मैंने आपके साथ वाजिया की थी। उस टाइम ये था कि आप कोई भी बोरी नुमा, जैसा कि होता है आपको पता है कार्गो वाली बोरी मिल जाती है 10 रियाल 15 रियाल की, उसमें आप कंबल 2-3 डाल देते हैं और कुछ चीज़ें डाल देते हैं, बाद में उसके ऊपर रस्सी लपेट देते हैं, वो नहीं चलेगी एयरपोर्ट के ऊपर। मैंने उस टाइम भी आपके साथ वादा किया था, अभी भी आपको बता रहा हूँ मैं, कि ऐसा कोई भी यानी जिसके ऊपर बोरी लपेटी हो वो नहीं चलेगा। ऐसा कोई भी बैग चाहे इस टाइप का आप ले लें, उसके ऊपर आपने कपड़ा लपेट दिया है या ऊपर से उसको रस्सी से बांधा हुआ है, वो नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी आप छोटा बैग ले लें, चाहे इतना बैग है उसमें आपने सामान ऐसे ठूसा हुआ है यानी कि वो बिल्कुल फटने के करीब है, ऊपर से आपने लैमिनेशन उसको लगाकर ऊपर आपने धागा बांधा हुआ है, तो वो भी नहीं चलेगा। सिंपल सीधे अल्फाज में बात ये है जी, ऐसे बैग चलेंगे। ये उस टाइम की खबरें थी, अभी इसको मजीद अपडेट किया गया है इस न्यूज़ को। वो ये है जी कि आप 71 सेंटी लंबाई, 51 सेंटी चौड़ाई और 34 सेंटी इसकी मोटाई, ठीक है, 34 सेंटीमीटर। तो ये आप, ये जो बैग आपको दिखा रहा हूँ मैं, अभी आपको बड़ा करके भी यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, यानी कि फुल वीडियो में दिखा देता हूँ मैं, इस टाइप के बैग चलेंगे एयरपोर्ट के ऊपर, ठीक है। इससे थोड़ा लंबा हो सकता है, आप ले लें, लेकिन आप समझे ना कि वो पहले जो बैग होते थे पुराने वाले, जिसमें 40-50 किलो वजन आ जाता था एक बैग में, वो बैग नहीं अभी चलेंगे। ये एयरपोर्ट से न्यूज़ है जी, आपको इनमें वजन के मुतालिक भी आपको बता दूँ। वैसे तो एयरलाइन बहुत सी हैं जी, अभी श्री एयरलाइन के मुतालिक मैं देख रहा था 60 किलो 80 किलो प्लस, 60 एंड 80 किलो, दो वाली टिकटें इस्लामाबाद एंड पेशावर के लिए आ रखी हैं रियाज एंड जद्दा से। तो मैं इंशाल्लाह जल्द एक वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ टिकटों के रेट के मुतालिक भी मुकम्मल तफसील के साथ, क्योंकि कुछ दोस्त आ रखे हैं जी, मैंने बोला आई जाए तो उनसे पूछ कुछ कर लूँ कितने में टिकट ली, क्या हिसाब किताब है। तो बैग आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में मुकम्मल, उठाकर आप देख लीजिए, आप इस टाइप का बैग पहले बैग देख लीजिए, फिर आप बता देता हूँ, देख लीजिए आप, ठीक है। अभी इसमें मैंने सुन लीजिए, मेरे जो सरीन की मेरी टिकट थी उसमें मैंने ऐसे, मेरे वजन था जी 70 किलो, 10 किलो तो हैंड कैरी था, 7 किलो सॉरी उसको निकाल दें, वो 70 किलो से हटकर था। सिंपल जो 70 किलो वजन था पैकेज का, उसमें 3 बैग मैंने बनाने थे, एक 2 25-25 के 1 20 का, यानी कि 2 25-25 किलो के आप बना लें, 1 20 किलो का बना लें। तो इसमें मैंने 20 किलो डाला था और बिल्कुल ईजी आया था 20 किलो इसमें, ठीक है। 2 इससे थोड़े बड़े थे लंबाई में इतने, तो वो 25-25 किलो के मैंने बनाए थे। तो ऐसे बैग चल जाएंगे जो इससे लंबाई में थोड़ा इतने होंगे। अगर आप बोले ना लंबाई में भी इतना है और चौड़ाई में भी इससे इतना ज़्यादा है, वो पुराने वाले बैग, तो वो नहीं भाई चलेंगे। अभी ऐसा बैग एयरपोर्ट के ऊपर लेकर मत जाइएगा, चाहे उस पर आपने 20 किलो वजन क्यों नहीं डाला हो, ठीक है। तो ऐसे बैग लीजिएगा, इससे थोड़ा लंबाई भी हो जाए बेस्ट है। मैंने 2 25-25 किलो 20 किलो का बनाया था, कोई किसी किस्म का मसला नहीं बना था। वहाँ पर मैं देख रहा था कुछ बंदे गठ नुमा सामान बांध कर लाए हुए थे, उनको भी रोक दिया गया था कि या तो अपने बैग चेंज करें या सामान वापस ले जाएं, ठीक है। तो ये तमाम एयरपोर्ट के ऊपर है, सऊदी अरब से अगर आप छुट्टी आ रहे हैं तो इन बातों के एहतियात कीजिए।